जीरो से लेके 1500 सब्सक्राइबर का सफर तो बहुत ही कठिन था एंड कितना सारा संघर्ष हुआ। जो आप लोग कमेंट करते हैं ना कि मतलब कि आपके दोस्त सही है, वो ही साथ छोड़ देते हैं यार। खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आए कि मतलब यार मैं बोल भी नहीं सकता। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, मतलब यार कोई साथ नहीं देता। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जीरो से लेकर 1500 सब्सक्राइबर का सफर कैसे तय किया एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। मैं रोहित रेखवार एंड मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। अगर बात की जाए मेरे मतलब पापा की तो वो खेती करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे पास पहले फोन ही नहीं था। फिर मैं दूसरों के फोनों में मतलब वीडियो देखता था एंड जब ही 2018 में टिकटॉक चल रहा था, फिर 2018 में मतलब कि टिकटॉक चलता था, तो फिर जैसे भी करके हमने एक सैमसंग G2 फ़ोन लिया। भाई इतना हैंग लेता था कि क्या ही बताएं, एंड हैंग लेता था तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। बट मैंने मैनेज कैसे भी करके मतलब मैनेज किया एंड उस पर ID बनाई और मेरे 6-7 हज़ार फॉलोअर भी थे टिकटॉक पे। और फिर भाई 2019 में टिकटॉक बैन हो गया। अब भाई कुछ नहीं बचा तो फिर सोचा कि मतलब सब लोग YouTube पर आ रहे हैं तो गाइस मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपना YouTube चैनल बनाऊँ। तो गाइस मैंने अपना YouTube चैनल बनाया मतलब कि 21 अगस्त 2020 को मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। तो भाई मतलब YouTube चैनल बनाया और मतलब कि अपनी भोजपुरी डांस वीडियो उस पर डालने लगा, तो भाई मतलब कि मेरे को थोड़ी बूस्ट मिला तो मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इस मेरे 6 दिन में 500 सब्सक्राइबर हो गए थे शॉर्ट वीडियो डाल के, मतलब डांस वीडियो डालता था मैं। तो फिर अचानक मतलब कि तभी वो फ़ोन यार ख़राब हो गया, G2 फ़ोन ख़राब हो गया। तो हमने सोचा कि अब क्या करें। तो भाई जब ही ख़राब हो गया फिर एक साल हो गया 2021 पूरा निकल गया। भाई मेरे पास फ़ोन नहीं बचा। फिर मैंने मतलब कि अपने मम्मी पापा भैया सबको खूब मनाया, मगर उन लोगों ने मतलब कि फिर 9 अक्टूबर 2022 को मतलब मेरे को ये सेम रेडमी 9 पावर फ़ोन लेवा दिया। फिर मतलब कि मैंने अपनी यूट्यूब की फिर से मतलब जर्नी स्टार्ट कर दी। फिर मतलब कि फिर मेरे अगर गाइस आप सभी को लाइफ में कुछ करना है ना तो भाई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि जब मैं मतलब कि हम लोग भोजपुरी डांस वीडियो बनाते थे, जो मेरे दोस्त थे बहुत सारे लोग मतलब कि वीडियो बनवाते थे। जब मैंने नया फ़ोन लिया फिर गाइस मतलब कि किसी ने मतलब कि वीडियो बनाना एकदम बंद ही कर दिया, तो फिर मैं अकेला पड़ गया। फिर मैं मतलब कि सोच रहा था कि कैसे करूँ। फिर भैया हमारे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना ब्लॉगिंग करें। क्योंकि ब्लॉगिंग में ना किसी का साथ चाहिए ना कुछ चाहिए, अपना फ़ोन उठाया खुद ही शूट किया। तो फिर मतलब कि सितंबर 2022 में मतलब कि मैंने एक मतलब ब्लॉग शूट किया, माय फर्स्ट ब्लॉग। जब मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग शूट किया तो भाई मतलब कि पहले दिन तो वो नहीं चला, फिर दूसरे तीसरे दिन भाई साहब उस पर 3500 व्यूज आ गए। फिर भाई मेरे को बहुत खुशी हुई एंड मैं फिर जब इसे ब्लॉगिंग करने लगा एंड फिर मेरे को बूस्ट मिलने लगा। तो फिर उसके बाद 29 अक्टूबर 2022 को मेरा चैनल सक्सेसफुल मतलब कि यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिया। और भाई मेरे को इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और इससे ज़्यादा खुशी तो मेरे को तब हुई जबकि मेरा यूट्यूब से गूगल एडसेंस पिन आया। भाई इससे ज़्यादा मतलब वो मतलब कि मेरी लाइफ की फर्स्ट खुशी थी, जो मैंने अपने मतलब दोस्तों के साथ तो कम ही मतलब घर वालों के साथ ज़्यादा मतलब कि उस खुशी को शेयर किया। एंड मतलब कि मम्मी लोगों को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है मतलब गूगल एडसेंस पिन। फिर मैंने इसके बारे में बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए एंड बहुत अच्छा लगा। गाइस यार ये थी मेरी मतलब कि यूट्यूब छोटी सी लाइफ की जर्नी, जो मैंने मतलब कि कितना स्ट्रगल किया एंड कितनी परेशानी मतलब लाइफ में आई अभी तक की।
तो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो तो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना भैया, कमेंट कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे ऐसे इस वीडियो में, जब तक के लिए वाह।